If you didn't subscribe my channel, so subscribe it now by clicking on that button and hit the bell icon and enable it and stay updated with new videos. क्या तुमने कहीं इनकी फोटो कहीं देखी है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत की, आओ उसे पढ़ते हैं। प्रश्न, वहीदा, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। वहीदा, मैं थनामांडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय ये हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आई, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? वहीदा, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम तीन बहनें हैं। पापा भी यही सोचते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। प्रश्न, आप डॉक्टर कैसे बने? वहीदा, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की पढ़ाई की, जो कि आपको पता है कि डॉक्टरी बहुत बड़ी डॉक्टरी पढ़ाई है। प्रश्न, आप सेना में कैसे आई? आपके घर वाले ने रोका नहीं? वहीदा, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल में समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरे एक इंटरव्यू हुआ, मिस ऑडिशन हुआ एक तरह का। इंटरव्यू में मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई थी। प्रश्न, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना में तो समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है ना? वहीदा, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मेरे दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिलाओं अधिकारियों में जहाज पर काम किया है, मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाओं जहाज पर नहीं आ जाती थी। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ, यानी सबमरीन में जाना चाहती थी। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगी।
अगला प्रश्न देखते हैं, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? वहीदा, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रखें रहे। मैं जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों को और नाविकों को चेकअप करती हूँ। इसके अलावा इतने बड़े जहाज की साफ सफाई देखनी होती है, ये भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। प्रश्न, क्या जहाज पर अस्पताल होता है? क्या मीन्स जहाज पर हॉस्पिटल होता है? वहीदा, नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है, जो आपको पता है फर्स्ट एड बॉक्स होता है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी जाती हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, सो नेक्स्ट प्रश्न है, अपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया, तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। वहीदा, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे ये मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। प्रश्न, परेड के बारे में कुछ बताइए। वहीदा, जो परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं, मींस 4 पार्ट्स चलते हैं, 4-4 ग्रुप्स चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने पड़ते हैं, 36 डायरेक्शंस वगैरह देनी पड़ती है। ये जो निर्देश होते हैं, इन इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। तो मीन्स पूरी आपको जान लगानी पड़ती है कि पीछे तक सुन जाए। देखने वाले तब भी आवाज़ सुने, जो देखने वाले हैं उनको भी आवाज़ सुननी चाहिए जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। प्रश्न, 4 टुकड़ियां के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? वहीदा, घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्ला कर निर्देश देने होते हैं। एक ही भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था, तो कैसे वो हो जाती है, परेड गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जो सभी वो पीछे टुकड़ी होती है उन्होंने सेम प्रैक्टिस की होती है, तो उनको भी पता होता है, तो गड़बड़ ना हो तो ये बहुत एक मुश्किल काम है। तो परेड तो स्कूल में भी करती ही थी। प्रश्न, आपके नाम में ये शब्द में प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? वहीदा, ये नाम मेरा पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहती थे कि मैं भी इसकी तरह अपनी पहचान बनाऊं। इसके लिए उन्होंने बचपन से ही मुझे ये नाम दिया। तो जो प्रिज्म आपको, वो आपको हाई क्लासेस में 7th, 6th, 7th, 8th क्लासेस में लाइट होती है, उनको करता है। तो जैसे ये 7 रंग जो है निकल के आते हैं एक रंग से, तो उनके पिताजी भी यही चाहते थे कि इनकी ये लड़की में ये भी अपने 7 रंग दिखाए, मतलब कि बहुत बड़ा करे। एंड अब तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हैं
कितनी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती कुछ बड़ा बनने के लिए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है बड़ा बनने के लिए, दैट इज़ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एक्सेट्रा। इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन लाइक बटन एंड फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस वीडियोज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन नाउ। If you like this video, click on like button. And for more updates on videos, click on subscribe button.